पानी किधरों आ रहा जी मुंडा को बड़ी उसे थोड़ा तू चाहिए यार थले माड़े जाए तो हो जाए सर बाबा जी तुसी पैसे फल ना लगे भी जा रहे कहते हैं मार्फत दी गल्लां ने तुसी नहीं जानते इस खूह का भी पिछो जमजम नाल लिंक है अगर गार अगर शेमन शरीफ की गार में से मक्के का रास्ता निकलता है दरमियान में कितने पहाड़ रेगिस्तान दरिया समंदर वो ऐसी टुब्बी लगाता था वहां निकलता था ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तो कहा ये जो कुआं है ना ये गंदा पानी जो तुम्हें नजर आ रहा है मार्फत दिया गल्ला नहीं उतो उतो गंदा है विचो बड़ा ही चंगा है उतो उतो गंदा है ये जमजम से मिला हुआ है इसका लिंक और लोग पैसे भर भर के लेके जा रहे हैं और उसको दे रहे हैं और एक और तालाब है गंदे पानी का काला सिया उसका रंग उसमें उतरता है लाल शहबाज कलंदर के दरबार का हाजी गरीब हाजी कहते सऊदिया अमीर लोग जानते ने साढ़ा इतने ही गुजारा चल जाता सानू औखे होने की लोड़ नहीं वो हाजी उतर के उस गंदे पानी से अपने ऊपर डालता है और काला सिया गंदा जोहड़ का बदबूदार पानी सलाह पानी चल साबन भी मिट्टी कितने मिट्टी सरकार ने तेल ला तेल ला के सरकार ने माल च साबण बड़ी
चुबी इन्होंने मारे सी मार सरकार ने इतो डुबकी मारी सी नजफ च जाके निकले सन दोबारा मैं सरकार ने इतो डुबकी मारी सी ना नजफ च निकले कहते हैं यही तो बातें हैं जो वहाबियों को समझ नहीं आती वो नहाने वाला उस गंदे पानी से जो नहा के बाहर निकला कहा ये इतना अजीम पानी है इसके नहाने से खारिश खत्म फोड़े खत्म फिंसियां खत्म और रेशम की तरह जिस्म नरम और मुलायम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अभी आपने देखा है कि मैं यहाँ से पहले यहाँ से पानी लगाया फिर वहां जाके ये हमारे सरकार लाल कलंदर शाहबाज ने यहाँ पे आकर गुसल करने से पहले कुछ पानी लगाया था। ये वो कहते हैं कि ये तेल है और अभी आप आगे आपको दिखाते हैं हम ये जो आप देख रहे हैं ये लाल बाग की जगह है। यहाँ हमारे मुर्शद सखी शाहबाज लाल कलंदर सरकार ने यहाँ पर चिला किया है और यहाँ थोड़ा आगे ही करीब में एक दरख्त है उसके नीचे बैठकर चिला किया है और ये सारा उसी का एरिया है। और जब आप सरकार नहाने की गर्ज से यहाँ पे आते थे तो पहले इस कुएं में आते थे जो पहले दिखा है बाद में साबुन लगाने के लिए यहाँ पर आते थे। ये जो आप देखेंगे जगह ये एक साबुन की मांद है। यहाँ से सारस से कुछ लोग मट्टी निकालते हैं और वो मट्टी सर को लगाते हैं वो बालों को इस मट्टी लगाने समय किसी किस्म की खारिश बीमारियाँ कम हो जाते हैं किसी किस्म की भी घर में खारिश वगैरह हो वो इस मिट्टी से ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये एक आपको गार नुमा लग रहा है ये साबुन कहा जाता है इसे ये लाल बाग का साबुन है। अभी आप आगे चलें आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे हमारे मुर्शद लाल शाहबाज कलंदर सरकार तेल लगाते थे वो तेल इसलिए लगाते थे कि जिस्म नरम हो जाए। जो भी आपने मट्टी या साबुन देखा है उससे ये होगा कि जिस्म नरम हो जाएगा और वो मट्टी आसानी से उतर जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं कुआं तो ये उसी साबुन को ऐसे तेल को कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कुआं है उस कुएं में काफ़ी ब्लैक कलर का तेल है उसमें आप ये मट्टी लगाकर तो इस कुएं में आएंगे आकर आप उसमें पानी डालेंगे अपने ऊपर तेल डालेंगे तो उससे ये हो गया कि जिस्म को चिकनाहट मिल जाएगी मट्टी लगाई उससे खुश्की नहीं होगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये आदमी है नहा रहा है इसमें तेल ये तेल लगा रहा है अपने जिस्म को नरम कर रहा है इससे ये होगा कि पूरा जिस्म जो है नरम हो जाएगा और जो किसी किस्म की भी बीमारी है वो इससे फारग हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको कोई मसला नहीं इसका ना कोई परेशानी है। इसके बाद आप साफ पानी से नहाएंगे और ये सब ब्लैक कलर उतर जाएगा और जिस्म आपका ऐसा हो जाएगा जैसे हल्का हवा जैसा बाल हवा जैसे नरम मुलायम और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ के पेट से अभी आए हैं। बिल्कुल ऐसा फ्रेश होता है आदमी के यार दुनिया में जैसे पहली बार ही आया हूँ जैसे इंसान दुनिया में पहली बार आता है और फ्रेश होता है बिल्कुल नरम और मुलायम होता है इस तरीके से जो है ना आप इसमें नहाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे आपको आपको आए आपको आगे दिखाएं कि यहाँ से नहाने के बाद जो सादे पानी से नहाना है उससे ये सारा जिस्म आपका साफ़ हो जाएगा आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी ख़ारिश वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। ये हमारे मुर्शद लाल शाहबाज कलंदर का एक तोहफा है हमारी आवाम के लिए हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और जितने भी हमारे सेवन शरीफ लाल शाहबाज कलंदर सरकार के उर्स में शामिल होते हैं सब यहीं पे आकर नहाते हैं और अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसा कि इंसान अभी फ्रेश होकर वो निकला हो। ये देख रहे हैं आप नहा रहे हैं कुछ तीन लड़के नहा रहे हैं ये वहाँ से सारा अमल करने के बाद यहाँ आकर साफ पानी से नहा रहे हैं। अब इनका जिस्म ऐसे नरम और मुलायम हो जाएगा जैसे रेशम हो। ये हमारे लाल शाहबाज सरकार की बहुत बड़ी इनामत है। जी हाँ दम दम सखी सरदार कलंदर मैदर। जी देखा आपने मुझे बीमारी ये थी कि मेरे जिस्म में थोड़ी सी खारिश थी तो मैं फैसलाबाद से आया फैसलाबाद का तो फिर मैं यहाँ पर आया। ये देखें आपके सामने ये जिस्म पे ऐसे गर्मी दाने मोटे मोटे थे लेकिन शुक्र है और हमारे मुर्शद बिल्कुल सुकून हो गया
कोई ख़ारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं तो इतने इतने मोटे दाने थे जिसकी वजह से ख़ारिश होती थी। अब बिल्कुल सुकून है। ये देखें आप, ये आपको नज़र आते होंगे हल्के हल्के थे, लेकिन अब ये ख़त्म होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये शाम तक ऐसा जिस्म फ्रेश हो जाएगा, साफ मुलायम जैसे कि रेशम हो, ये हमारा यकीन है। और ये आपके सामने ही है कि जो भी अमल करता है वो सुकून से हो जाता है। इतनी गर्मी में या इतनी में मट्टी लगाना या तेल लगाना बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन अपनी जान के सुकून के लिए आदमी कुछ भी करता है। हमें देखें, हमने थोड़ा सा मेहनत की, अपने मुर्शिद का हमने कहा माना, तो बड़े सुकून से अभी ईजी है, कोई गर्मी नहीं है। यहाँ पर धूप भी है, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन हम सुकून से हैं, कोई गर्मी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ईजी तरीके से हम अपने आप को इस टाइम फील कर रहे हैं। हमारा जो फैसलाबाद का एड्रेस है, हम फैसलाबाद लामा इकबाल कॉलोनी समुद्री रोड के साथ ही है, लामा इकबाल कॉलोनी मेन रोड समुद्री रोड, वहाँ से हम आए हैं। हमारा अपना बस आया, बस के साथ हम आए हैं। हमारा जो फैसलाबाद तकरीबन इस तरह मानता है कि फैसलाबाद में 100% लोग यहाँ पे उर्स होता है, लेकिन वहाँ उर्स से पहले ही शाम कलंदर इतनी मनाई जाती हैं कि लोग समझते हैं दूसरे शहरों के सही जो मेला है ना वो फैसलाबाद में ही है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में शाम कलंदर होती है और पूरी रात का प्रोग्राम होता है हमारा। और उसके बाद फिर हम जैसे अपनी अपनी महफिल, उसके बाद फिर हम गाड़ियों में बैठते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आकर हम 6-7 दिन रहते हैं और लंगर भी तकसीम करते हैं, खाते भी हैं, दूसरों से भी लेते हैं, खुद भी खिलाते हैं। और जो मौला ने दिया है वो सब हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर निशावर करके जाएं। ये हमारे मौला का हम पर बहुत एहसान और करम है। तुम्हें मुबारक हो ये रेशम बनाने वाला गंदा पानी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे शरीयत में जिस पानी का रंग बू मजा बदल जाए वो पानी नजिस हो जाया करता है, और इसकी तो बू इतनी है कि 10 मीटर तक नहीं खड़ा हुआ जा सकता। और वहां वो आकर गुसल करते हैं, उस पानी में नहाते हैं, और एक फिर छोटी सी गार है वहां पे, कहते हैं यहां पीर साहब का साबुन है। तो किसी ने पूछा, भाई ये साबुन कैसा? कहा, पीर साहब उस तालाब में नहाकर फिर यहां आकर उन्होंने साबुन लगाया था और यहां नहाए थे, उस साबुन का असर 7 जमीनों तक चला गया, और जितनी मर्जी मट्टी कड्डी जाओ साबुन पे आ रहेगा। वो वहां जोहड़ में नहा के आते हैं, वो गंदी मट्टी पूरे जिस्म पे मलते हैं, फिर साफ पानी से जहा करना आते हैं। कहते हैं ये बाबा जी का, ये बाबा जी की मट्टी का साबुन है, इसमें बाबे के साबुन का असर है। अभी भी काटते हैं साबुन सरकार का। उत्ते ना जान पत्तो थले सारा की बताऊंगा शहर तो है मोती ले लो काफी मारियां दूर कर दे।
ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਬਲਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਆ ਕਾਦਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਤਾ ਓਏ ਪਰੇ ਐ ਡਰੀਏ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਕਾ